घनसौर जनपद शिक्षा केंद्र शासकीय प्राथमिक शाला टिकरा खापा के स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। समय से नहीं आते शिक्षक अपनी मनमर्जी के हैं मालिक। मध्य प्रदेश में शालाओं में परीक्षा का दौर चल रहा है। 10वीं और 12वीं परीक्षा होने के कारण सभी जगह पर शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी शिक्षक को छुट्टी ना दी जाए, समय पर स्कूलों में उपस्थित हों। लेकिन घनसौर क्षेत्र के कुछ स्कूल की हालत चिंताजनक है। बच्चों के हाथ से स्कूल खुलवाया जाता है, शिक्षक 11:30 से पहले नहीं आते। जब हम शासकीय प्राथमिक शाला टिकरा खापा स्कूल पहुंचे तो देखा कि 2 शिक्षकों में से 1 शिक्षक ही आए हैं। जब हमने शिक्षक से पूछा, उनका कहना था 1 शिक्षक को अपनी निजी कार्य से लेट हो गए। जब हमने शिक्षक को फ़ोन किया, उनका कहना था मैं 2 बजे तक या 2:30 पर आ पाऊंगा। जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से पता किया तो किसी को इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो क्या भगवान भरोसे चल रहा है घनसौर क्षेत्र का स्कूल? इसका सीधा उदाहरण है, बच्चों के पास चाबी होने के कारण बच्चे स्वयं स्कूल खोलते हैं। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि शिक्षक समय से नहीं आते। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। श्री रामा प्रसाद भट्टी। सर, कौन सा स्कूल है? प्राथमिक शाला टिकरा खापा। सर, कितने शिक्षक हैं? 2। सर, आप अकेले दिख रहे हैं, 11:30 बज गया है, साथी शिक्षक कहाँ हैं? आने वाले हैं सर। फोन ऑन कुछ आया था क्या? जी। क्या बोल रहे थे? वो थोड़ा काम कह रहे थे। कौन सा? LIC पर्सनल उनका? जी। तो सर, पर्सनल काम को स्कूल के समय में करना कहाँ तक सही है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या 12:00 बजे आएंगे? अभी तक तो आए नहीं जी।